बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के काले बिल्लोद पंचायत के अंतर्गत आने वाली प्रभातम कॉलोनी में कॉलोनीनाइजर की लापरवाही के चलते पिछले 4-5 दिनों से कॉलोनी की लाइट बंद पड़ी थी, जिसे लेकर कॉलोनी के करीब 400 घरों के रहवासियों ने बेटमा थाना आकर कॉलोनीनाइजर के खिलाफ सख्त कार्यवाही व लाइट चालू करने को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। बताया जा रहा है कि कॉलोनी पर विद्युत मंडल का करीब 11 लाख बकाया था। बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण विद्युत मंडल ने कॉलोनी की बिजली काट दी थी, जिससे नागरिकों एवं बच्चों को पढ़ाई की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं त्योहार दीपावली के वक्त बिजली के नहीं होने से रहवासी काफ़ी परेशान थे। जब यह बात विधायक विशाल जगदीश पटेल को मालूम पड़ी तो उन्होंने तुरंत संबंधित विद्युत मंडल अधिकारियों, कॉलोनीनाइजर एवं रहवासियों को बेटमा बुलाकर तुरंत हाथों हाथ समस्या का निराकरण किया एवं कॉलोनी की 4-5 दिन से बंद पड़ी लाइट चालू करवाई एवं कॉलोनीनाइजर से हाथों हाथ बकाया राशि का 5 लाख रुपए विद्युत मंडल अधिकारियों को दिलवाया व लाइट चालू करवाई। वहीं इस मामले में कॉलोनीनाइजर शर्मा से जब मीडिया ने बात करना चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और जनता के साथ होने की बात कहकर चल दिए। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लाइट आप लोग बिल भर रहे हो? कॉलोनियाँ बस 11 कॉलोनियाँ हमारे पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। सब TNC डाइवर्सन तो करी हुई कॉलोनियाँ है, लेकिन 1992 से पूर्व की जो कॉलोनियाँ जिसमें ये समस्या आ रही है कि ड्रेनेज नहीं थी, पिछले 2-3 महीने से हम लोगों ने ड्रेनेज और रोड बनाना चालू कराया है। अब बहुत जल्दी वो बहुत बेहतर स्थिति में आ जाएगी। और अभी जो नया विषय है प्रभातम कॉलोनी में जो लाइन कट गई, इसका थोड़े से बारे में बताएंगे आप? प्रभातम कॉलोनी का ऐसा है कि जो कॉलोनाइजर है, इन लोगों ने अभी तक स्थायी विद्युतीकरण का कोई ट्रांसफार्मर वहाँ लगाया नहीं। इनका कार्य प्रगति पे है और आए दिन इनके विवाद होते रहते हैं। कॉलोनाइजर से हमेशा बात होती रहती है क्योंकि जनता के बीच में सबसे ज्यादा जनता के जनप्रतिनिधि को रहना पड़ता है, इसलिए निशाने पे हमेशा वही रहता है। आपके पंचायत क्षेत्र में आती तो आपके द्वारा पंचायत द्वारा क्या कार्रवाई होगी इनके? हमारे रात जैसे ही हमें पता चला, हम 3 दिन से इन अधिकारियों से कंटिन्यू फॉलोअप में थे कि आप दिवाली के समय लाइन को क्यों बंद कर रखी, आप इसको कराई। तो उनका कहना था कि 13 लाख रुपया बिजली का बिल बाकी है। फिर रात को ही बात हुई सुपरवाइजर साहब से, चतुर्वेदी साहब से, तो कॉलोनाइजर से बात हुई, उन्होंने 5 लाख रुपए देने का अवसर दिया और 2 महीने में लाइट सही करने की आस। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, हमारी तरफ से कार्रवाई, हमारे अधिकार क्षेत्र में विद्युत और ये वाला कोई काम है नहीं, हम अधिकारियों को इसके बारे में बता सकते हैं। प्रभातम कॉलोनी का टेम्परेरी कनेक्शन है जी, और इसमें 11 लाख रुपए बाकी था। ये कुछ पार्ट पेमेंट में पैसा जमा कर रहे थे, पर इनको बार बार समझाया था कि पैसे जमा करें, अगर पैसे जमा कराए हम कनेक्शन आपका चालू नहीं कर रहे। सर, कॉलोनीनाइजर ने कितना वाट ले रखा था? कॉलोनाइजर ने अभी करीब 50 किलोवाट का कनेक्शन है। और उपयोग कितना कर रहा था सर? अब उपयोग तो मीटर पर जो MD रिकॉर्ड होती है वो उपयोग कहलाता है, तो MD रिकॉर्ड होती है। सर, हर माह का कितना आता था बिल? इसका 4.5 लाख रुपए के करीब हर महीने का बिल आता है, हर माह करीब। सर, ये उपभोक्ता से कैसे लेते थे कॉलोनीनाइजर? ये हमारा केवल कॉलोनाइजर के नाम से कनेक्शन है। अब ये जो रहवासी हैं और कॉलोनाइजर का क्या एग्रीमेंट है ये तो सर आपके माध्यम से चालू करने की क्या कंडीशन हुई है? हमने जब पेमेंट होगा तभी हम चालू कर पाएंगे, कोई भी कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट होता है। अभी कितना पेमेंट हो गया सर? अभी आज हमने 5 लाख रुपए पेमेंट किया है। और 5 लाख रुपए। और समय कितना दिया सर जी? आपने समय कितना दिया आपने? अब हमने समय अगले महीने जमा करेंगे, फिर अगले महीने इनको जमा करना। मतलब 3 पार्ट में लिया आपने समय? 2 पार्ट में 11 लाख रुपए। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। DC चतुर्वेदी, कार्यपालन मंत्री पीतमपुर। बहुत बड़ी पंचायत है और वहाँ का जो एरिया विकसित हो रहा है, बाहर के लोग, बहुत सारा लोग आए हुए हैं और उन कारण से वहाँ की जनसंख्या रोज बढ़ रही है। अब बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वहाँ के जो सरपंच हमारे हैं, ये भी लगातार कहीं ना कहीं सेवा करते रहते हैं, और भी हमारे जो कांग्रेस परिवार के लोग हैं वो सब भी वहाँ सेवा कर रहे हैं लोगों की। लेकिन जैसे ही मेरे संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो मैं तुरंत उस चीज़ को एक्शन